करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट। तो इसके अंदर कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है और उनका जो सम है ये 105 है और जो उनका डिफरेंस है वो 45 का है, तो जो नंबर्स है वो कौन से होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो दोनों नंबर है वो एक्स और वाई है। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि जो सम ऑफ टू नंबर्स है ये 105 है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये दोनों नंबर है तो दोनों का अगर हम सम करें मतलब x प्लस वाई करें तो ये आ जाएगा 105 और ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस है, जो दो नंबर है इसका जो डिफरेंस है मतलब माइनस, ये 45 का है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो क्योंकि हमें यहाँ पर x और y ये दोनों वैल्यू पता करना है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस दोनों को ही हम ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 105 ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, तो इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 105 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ये अपोजिट साइन है, y y कैंसिल हो गया प्लस और माइनस इसीलिए, और यहाँ पे x x अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 150 है तो इस x को यहीं पे रहने देंगे और ये आ जाएगा 150/2 और इसको अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 75 इस तरीके से। तो ये आ गया x 75 और अगर हम इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो हमारा जो आंसर है y जो है वो निकल आएगा, तो इसीलिए हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये जो x है इस x की जगह पे हम यहाँ पर 75 लिख देंगे, तो 75 और प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे है 105, y को यहीं पे रहने देंगे और 105 माइनस 75 ये चले जाएगा पीछे, तो y को हम यहीं पे रहने देंगे और इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये हो जाएगा 0 और 3, तो y इज इक्वल टू 30, तो जो y 30 है ये हमारा आंसर आ गया। तो जैसे कि उसने कहा था कि फाइंड द नंबर्स मतलब वो नंबर पता करो, मतलब जो हमने यहाँ पर लेट किया था x और y ये पता करो, तो x यहाँ पर ये आ गया है 75 और जो y है ये आ गया है 30, तो एक बार हम फाइनल आंसर यहाँ पर जरूर देंगे। तो 10 जो x है ये आ गया है 75 और जो y है ये आ गया है 30, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है ये कंप्लीट हो गया।